कि इतने संपत्तियों की मालिक कैसे बने, कहां से आया, मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए। लेकिन दो नंबर पर उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं जिसको उत्तराधिकारी घोषित किए हैं, उस व्यक्ति पर मुख्यमंत्री मौन क्यों है? नमस्कार, देख रहे बिहार इंसॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और कल बजट सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि ना ही हमको मुख्यमंत्री बनना है और ना ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है। अब तेजस्वी यादव के बयानों पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है और क्या कुछ कह रहे हैं आप देखिए इस वीडियो में। ना चाहते हैं ना नीतीश जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसके राजनीतिक मायने क्या है? देखिए, ये जनादेश उनको मिला नहीं, लेकिन चोर दरवाजे से इनको ला करके भ्रष्टाचार में लिप्त 0-0 से शिखर तक अकूत संपत्ति के मालिक बनने वाले व्यक्ति पर जब सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसा है तो ये घबराहट और हताशा निराशा में अपनी बयान दे रहे हैं और अपने मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर होने के साथ साथ उसका बदला माननीय नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री की दौड़ से भी बाहर कर दिए। और ये कहें न कहें इनकी लाचारी और बेबसी झलक रही है। सीबीआई और ईडी से ये राहत चाहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और अकूत संपत्ति के मालिक पर इनका बयान नहीं आना, मुख्यमंत्री का बयान नहीं आना, कोई जवाब नहीं है। बिहार की जनता, बिहार का सदन जानना चाहती है कि इतने संपत्तियों की मालिक कैसे बने, कहां से आया, मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए। आप सभी मंत्रियों की संपत्ति की घोषणा कराते हैं, आमदनी का घोषणा कराते हैं, लेकिन दो नंबर पर उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं जिसको उत्तराधिकारी घोषित किए हैं, उस व्यक्ति पर मुख्यमंत्री मौन क्यों है? माननीय मंत्री इजराइल मंसूरी पर डायरेक्ट आरोप लग रहा है हत्या कराने का, बेटा का हत्या किया, दामाद की हत्या की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री मौन क्यों है? आज कई लोगों का अपहरण पर मुख्यमंत्री का जवाब नहीं आ रहा है। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, रोज घटना घटित हो रही है, कोई जवाब नहीं है। बड़े बड़े स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग जैसे बड़े बड़े विभाग एक व्यक्ति के जिम्मे है। भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा हुआ है, कमीशन खोरी की प्रथा फिर बुलंदी पर है। मुख्यमंत्री के पास क्या व्यवस्था और लाचारी है? आज इन तमाम विषय को लेकर के कहीं न कहीं पूरी अराजकता का वातावरण बना है, जिससे सरकार असहज लग रही है। तो अभी आपने देखा जो नेता प्रतिपक्ष है विजय सिन्हा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इनको तो जनादेश मिला नहीं, चोर दरवाजे से आकर सरकार बनाए हैं और ईडी और सीबीआई की जिस तरीके से छापेमारी चल रही है तो इस छापेमारी से वो घबरा गए हैं, डर गए हैं और इनका डर पूरी तरीके से झलक रहा है, निकल कर बाहर आ रहा है और डर के वजह से ही ये खुद अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस से बाहर कर रहे हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी प्रधानमंत्री के दौर से बाहर कर रहे हैं। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।